ओ भाई, वेलकम बैक। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ, आज मैं आपको इंडिया की टॉप 3 मूवी 2023 की, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई की और किसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, कौन सबसे आगे है, आज हम इसी की बात की चर्चा करेंगे हमारे इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है छोटा सा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं गदर 2। गदर 2 ने अपने 10 दिन में हिंदी कलेक्शन कितना किया था? तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया की 2023 में अच्छी कलेक्शन करने वाली फिल्म है गदर 2। उसने कमाई की थी 376 करोड़ रुपये, यानी कि उसने गदर 2 ने अपने 10 दिन में 376 करोड़ रुपए कमाए थे, जो एक बहुत बड़ी रकम है, यानी कि 300 करोड़ के क्लब में पहुंचना। तमाम फिल्में ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी फिल्में, जो कि सिर्फ अपना लाइफ टाइम कलेक्शन 300 करोड़ नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ सिर्फ 10 दिन के अंदर गदर 2 ने 376 करोड़ कमाए। अब आगे कौन है, जवान या पठान, इसकी बात करते हैं। तो आपको बताऊं, मैं सेकंड नंबर पर जो आती है वो आती है पठान। जी हाँ दोस्तों, पठान ने अपने 10 दिन के अंदर 380 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था हिंदी से। यहाँ हम वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहे, बल्कि हिंदी से 380 करोड़। लेकिन इन सब में बाजी किसने मारी? आखिर में जो नंबर आता है वो आता है जवान का। भाई जवान के क्या हाल है ये भी तो बता दो, जो लेटेस्ट फिल्म है 2023 की और अभी सिनेमा घरों में जो धमाल मचा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आपको यकीन नहीं होगा, आप सोचेंगे कि पठान ने 380 किया था, तो हो सकता है ये 390 हो या 400। नहीं दोस्तों, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, इसमें तो वाकई में छप्पर फाड़ के कमाई की है। इसने जवान ने अपने 10 दिन के अंदर 480.48 करोड़ रुपए की कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, 480.48 करोड़, आप समझ सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आज संडे है, और ये जहाँ तक संडे ख़त्म होगा, सोमवार शुरू होगा, लगभग सोमवार या मंगलवार तक, फाइनली मंगलवार तक 500 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। आपको बता दें, गदर 2 फिल्म का लगभग जो अब तक का फुल कलेक्शन है वो 515 करोड़ के आसपास है। देखते हैं गदर 2 का ये लाइफ टाइम कलेक्शन फिल्म जवान कितने दिनों में बीट करेगी। वैसे तो गदर 2 ने अपना जो 515 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, ये करीब 24 दिन के अंदर किया है, 24 दिन में। लेकिन अभी पठान को आज 11वां दिन है और 11वें दिन की ऑफिशियल रिपोर्ट आई नहीं है, वर्ल्ड वाइड की आई है, जो कि 796 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड से, लेकिन हिंदी का उसका टोटल नहीं आया है। और हम बताएं, 515 करोड़ जो गदर ने 24 दिन में कमाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये अगला जब शनिवार आएगा, यानी कि इसको जब जवान को करीब 15 दिन हो जाएंगे, तो ये 500 करोड़ का क्लब में एंटर हो चुकी होगी। दोस्तों समझ सकते हैं, ये गदर 2 का करीब 6 से 7 दिन पहले रिकॉर्ड तोड़ देगी लाइफ टाइम कलेक्शन का। और इसकी अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें, तो वर्ल्ड वाइड तो पता नहीं 1100 करेगी, 1200 करेगी, इसका कोई फ़िलहाल आइडिया नहीं है। दोस्तों ये फिल्म विदेशों में बहुत अच्छी कमाई कर रही है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है शाहरुख खान फैंस के लिए कि जवान 2 का भी ऐलान हो चुका है। एटली कुमार ने कहा है कि वो फिल्म जवान 2 का भी जल्दी से शुरुआत करेंगे। दोस्तों हमारी ये वीडियो क्या लगी और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई खबर के साथ।